इसको बशती दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह जो बाबा साहब के खुलफा हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई और आपने फरमाया निज़ामुद्दीन मन दाखला हाज़ा बाबिल अमीना। ये एक हदीस इस दरवाज़े से मरवी है जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रवायत फरमा रहे हैं। इस रवायत को सुनकर पूरी बरे सगीर से जो बुज़ुर्गान दीन थे वो इस दरवाज़े से गुजरे। जिसका मतलब ये है कि जो इस दरवाज़े से गुजरेगा वो अमन और सलामती में आ जाएगा। इस रवायत को मद्देनज़र रखते हुए आज तक लाखों लोग इस दरवाज़े से गुजरे, लेकिन क्योंकि कदीमी दौर गुज़र चुका है, कई सौ साल गुजर गए हैं, तो इसका जो है इस रवायत के मुताबिक जो है बाबुल जन्नत कहा जाता है, यानी अमन का दरवाज़ा। क्योंकि जन्नत ही एक ऐसा मुकाम और प्लेस है जहाँ पे इंसान को अमर और सुकून मुहैया होता है। क्योंकि जब लोग यहाँ पे आते हैं, जोक बाय जोक आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि जब हम हजूर बाबा साहब की बारगाह में आएंगे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे तो हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे।